अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज बहुत दिन के बाद जो है मैं ब्लॉग बना रही हूँ, और ये रहा मेरा प्यारा सा बेटा। एक्चुअली मैं थोड़ा जा रही हूँ पार्लर, कल थोड़ा माहित का ट्रीटमेंट है, मुझे इसे रात को हॉस्पिटल लेके जाना है। और मेरी स्किन बहुत डल हो रही थी, मतलब बिल्कुल फेस नहीं मेरा अच्छा लग रहा। और फिर अगर एक बार इसका ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट हो गया तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा कि मैं खुद के लिए कुछ कर पाऊँ। फिर रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं तो मेरे पास अभी 2 घंटे का टाइम है, तो मैंने सोचा क्यों ना पार्लर जाके एक क्लीनअप ही करवा लिया जाए। तो मैं क्लीनअप करवाने जा रही हूँ, मेरा बेटा जाएगा मेरे साथ, है ना माई? से लेट्स गो। तो मैं जाऊंगी, तो अगर मैं कोशिश, हाँ मेरे बेटे को इंजेक्शन लगने वाली है। तो अब हम लोग, मैं बस निकल ही रही हूँ घर से, टाइम हो रहा है आई थिंक 1 बज रहा है, बस मैं अभी घर से निकल ही रही हूँ। और इंशाल्लाह वहाँ पे जाके अगर मैं आपको बता पाई पार्लर अच्छा हुआ, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और मैं आपसे मिलती हूँ पार्लर में। पार्लर जाके देख रहे हो फेस अभी भी बुरा ही है आई नो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है ब्लैकेट्स वगैरह क्लीन हुए हैं तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है हाथ लगाने पे। अब मैं जा रही हूँ नहाने, और नहाने के बाद खाना खाऊंगी, और फिर शाम को जो है मैं अपनी अम्मी के यहाँ जाने वाली हूँ। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि माहित का कुछ ट्रीटमेंट है, मैं कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो मैं डिटेल दूंगी कि क्या ट्रीटमेंट है, तो फिर उसके बाद में मुझे वहाँ पे होना होगा रात को, कल मॉर्निंग में जो है आज रात को या फिर कल मॉर्निंग में उसको एडमिट करेंगे, जैसा भी होगा मैं बताऊंगी। और फिर बस चलती हूँ मैं नहाने के लिए, मैं नहाऊँ माहित को नहलाऊँ, उसके बाद में फिर निकलने की तैयारियाँ भी करना है। तो इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद, या थोड़ी देर बाद, या रात को, या कल, जब भी होगा इंशाल्लाह मौका मिलेगा मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। से माहित बाय। ये आप लोग देख रहे हो मेरी विंडो पे जो है ना पिजन आकर बैठा है, वाइट पिजन, और ये इतना खूबसूरत पिजन है कि मैं आपको क्या बोलूं। उसके साथ में एक ग्रे पिजन भी है, और एक ये मेरा, ओ शिट ये वहाँ चला गया, लेकिन आप देख रहे हो ये इतना खूबसूरत पिजन है कि मैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसे पकड़ लूँ। ये एक यहाँ से आई थिंक आपको दिखेगा, इतना प्यारा पिजन है यार। बर्ड्स है ना, पूरी जिंदगी जो है मेरी लगता है घिरी हुई है हर जगह से, जो है ना बर्ड्स। तो जी ये रही मेरी दाल खिचड़ी, और ये रही मेरी छाछ। गर्मियों में इससे अच्छी चीज तो और कोई हो ही नहीं सकती, मेरी दाल खिचड़ी और छाछ, ये मेरी गर्मियों की मेरी बेस्ट फ्रेंड है। गर्मियों में इससे अच्छा और क्या हो सकता है बताइए, कि आपके खाने में दही वाली छाछ रखी हो और कुछ ऐसा हल्का फुल्का खाना हो। तो आई एम ब्लेस्ड के आज मेरे पास में ये है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये माइक को जो है ना मैं हॉस्पिटलाइज्ड करा चुकी हूँ, और ये बच्चा जो है सलाइन लगाते वक्त भी बच्चा मेरा हंस रहा है। और आप इनको देखो, इनका वर्क फ्रॉम होम जो है वो ऐसे होता है कि बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है और बाजू वाले बेड पे बैठ के जो ये अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, और सब अपने अपने में लगे यार। ये ओटी रूम है साइन हॉस्पिटल का, और अब जो है वो यहाँ पे माइक के अंदर जहाँ ये जा रहे हैं यहाँ पे माइक की सर्जरी होगी। ये उसकी सर्जरी हो चुकी है, वो अभी पूरी तरीके से होश में नहीं आया है, और हम लोग वेट कर रहे हैं उसके होश में आने का। रमज़ान का आज पहला दिन, मतलब अभी चांद दिखा है, तो आप सबको रमज़ान मुबारक, और दुआ है कि आप सबका जो महीना है वो खैर और आफियत का हो, अच्छे से हो, क्योंकि पिछले 2 सालों से तो सबको ही मालूम है कि वक्त कैसा चल रहा है। पिछले लास्ट 2 ईयर्स तो सारी मस्जिदें बंद थी, उसके बाद पिछले साल भी मस्जिद बंद थी, पिछले साल मस्जिद बंद थी कि जा रहे थे बंद थी,
पिछले साल भी जो है वो मस्जिदें बंद थी, घर में हर कोई कुछ ना कुछ चीज़ों से जो है वो परेशान निकला है इन दो सालों में। तो दुआ है कि ये साल जो है वो सबका अच्छे से निकले, खैर आफियत से निकले। और मैं मैंने कुछ 3-4 दिन हो गए मैंने कुछ व्लॉग नहीं बनाई, 3-4 दिन ही आई थिंक ज़्यादा हो गया मैंने कुछ व्लॉग नहीं बनाई हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो है मैंने कैप्चर की हूँ, मैं कोशिश करूँगी आपको दिखाने की। माहित की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, माहित का ऑपरेशन था, मैं इसके ऑपरेशन को लेके परेशान थी, तो कल फाइनली वो चीज़ भी पूरी हुई। कल जो है वो माहित का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया है और अभी फ़िलहाल वो ठीक है, कल से आज बहुत बेहतर है वो, लेकिन कुछ चीज़ों की तकलीफ़ है अभी भी, जो रहते रहते वो सारी जो है वो रिकवर हो जाएगी। और एक चीज़ बतानी थी सबको कि जैसे मैंने बोली थी कि मैं आप लोगों को कुछ, मेरा एक ब्लॉग देखे होंगे आपने नेहा भाभी के साथ में, जो मैंने बोली थी कि मैं कोई चीज़ एक चीज़ है जो मैं रिवील करूँगी, वो ये थी कि मैंने ऐसा सोची थी कि इस साल रमज़ान में जब चांद दिखेगा तो मैं अपना जो है वो हेड कवर करूँगी, मैं कोशिश करूँगी जितनी मैं कर पाई मैं उतनी कोशिश करूँगी कि मैं अपने बाल जो है वो किसी को नहीं दिखाऊँ और मेरे बाल हमेशा जो है ऐसे कवर हो। गर्मी का टाइम है, बहुत जो है मुश्किल काम है मेरे लिए, मैंने ऐसे कभी नहीं किया, लेकिन हाँ एक चीज़ दिल में आई थी तो मैंने सोची हूँ कि मैं उस चीज़ को जो है वो पूरी ज़रूर करने की कोशिश करूँगी और मैं उस चीज़ को जो है पूरा कर रही हूँ। और देखिए आज से जो मेरा हेड ऐसे कवर हो चुका है, अभी तो वो इतनी देर बांध के रखने की आदत नहीं है ना, तो वो तो सारी जगह से फिसल जा रहे हैं। नहीं देखिए, और ये देखिए माई, मैंने जोर से नहीं रखी बेटा, कहाँ हुआ यहाँ, मैंने जोर से नहीं रखी। अच्छा, मेरा हाथ है ना शायद गलती से उसको लग गया था, तो ही वॉज क्राइंग, अभी खराब है। तो मैं बता रही थी कि ये मैंने सोचा था तो मैंने ये की हूँ और मुझे नहीं पता मैं कितने दिन करूँगी, गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन ठीक है जो कुछ सोचे हैं तो कुछ करके देखते हैं, शायद थोड़ा तो बनता है, रमज़ान का महीना है थोड़ा तो बनता है, अगर इंशाल्लाह मैं कर पाई तो मैं ये हर रमज़ान करूँगी, मैं नहीं कर पाई तो पता नहीं, लेकिन कोशिश की हूँ मैंने। तो अब मैं ना आपको इंशाल्लाह सहरी में मैं बताऊंगी हम लोगों की सहरी, और मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद।